मेरा बाप है। पाकिस्तान के सियासतदानों ने मुल्क को जन्म दिया है, इस फौज को भी जन्म दिया है। ये चाहते हैं ये कि वो इंसानों के आराम करो तो आपके कोई पैसे लेके आए, वो छोड़ो बड़े बात करने, ये तरीका होता है। अंदाजा करें बाद में रोके आप बाद में कीजिएगा। नहीं मैं बात ये है कि हमारे यहाँ एक रोल होते हैं, उन रोलों की वजह से हमारी फौज का कोई हक नहीं है। 5 साल से पीछे पड़े हुए हैं नवाज शरीफ के, मुस्लिम लीग की हुकूमत के। मैं गवाह हूं इसका, मैं गवाह हूं। ये बात न करें, कहीं या तो उन्होंने ये मुल्क बनाया होता या कोई जंग जीती होती। हजारों लोग करोड़ों बलोचिस्तान के अंदर इधर उधर जिस तरीके से पार्टियां बनाई हैं उन्होंने मुल्क को मजीद तबाह किया है। हम बात भी नहीं करें, मुल्क को तबाह करने के बाद वो कहते हैं हम मालिक हैं, इस मुल्क के अवाम पे इस मुल्क के मालिक हैं। जो दुनिया कर रही है हुकूमतें करने का तरीका, हमारी फौज को भी वही करना पड़ेगा, उनको सर झुकाना पड़ेगा, सिविलियन गवर्नमेंट के आगे सर झुकाना पड़ेगा, सलूट करना पड़ेगा। हमारे पैसों पे नौकरियां करके हमारी हुकूमत भी वो चलाती है, हमें बात नहीं करने देते। हमारी जमीनें, हमारे प्लाट, देखे रहील शरीफ साहब के कितने प्लाट हैं, यानी साहब के कितने प्लाट हैं, जब चले जाएंगे तो इनका भी पता चल जाएगा। ये बात मत करो, ये वक्त बड़ा तबाही का है। मैं इसे बिलावजह नहीं बोला था, मैंने